28 तारीख को भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का वैशाली हाजीपुर में हुए स्टेज शो के दौरान जो बात विवाद हुआ, जी हाँ, जो घटना हुई है उसके बाद अब उन्हीं की फिल्म के डायरेक्टर राजनीश मिश्रा उनके साथ खड़े हुए हैं और क्या कुछ बातें कही हैं, चलिए आप लोगों को सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका राज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। स्पेशल प्रोग्राम में आज एक बार फिर से जिक्र सिर्फ खेसारी का ही हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इस समय पर वैशाली हाजीपुर में जिस तरह से खेसारी के स्टेज शो में विवाद बढ़ा है, जिस तरह से हड़कंप मचा है, उसके बाद खेसारी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खेसारी के साथ हुए इस तरह के विवाद को लेकर या इस तरह की घटनाओं को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और उनमें एक नाम एक भोजपुरी डायरेक्टर का भी आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रजनीश मिश्रा की, जिन्होंने आज एक वीडियो जारी करके खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बातें कही हैं, उन पे जो उनके साथ जो घटना हुई है उन पे उन्होंने क्या बयान दिया है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार प्रणाम, हम रजनीश मिश्रा आप सबके मित्र आप सबके दोस्त, बहुत दिन के बाद फेसबुक पर अपना अकाउंट से लाइव आई बनी है और आपसे सबसे रूबरू होके के पीछे कारण बा कि काल के एगो घटना जोन बिहार हमनी के वैशाली उस जगह जहाँ जोन जगह महावीर गौतम बुद्ध के वजह से जाना जला, वो जगह पर कुछ ऐसा भइल जो ना होके के चाहत रहे और सभ्य समाज कबू भी एकरा के स्वीकार ना करिए चीज के। खेसारी लाल यादव जी के कल प्रोग्राम रहे हुआ और वो प्रोग्राम के दौरान कुछ अहिंसक कार्रवाई लोग के द्वारा कैल गई, उसे दिल व्यथित थी, बाकी केहू के प्रति भी हो सका था, हम भी ने ऐसा कोनो प्रोग्राम करी तो हो सका था कि लोग हमरो ऊपर कर दे, या भोजपुरी के जे भी कलाकार बा, पवन जी बाड़े, दिनेश लाल जी बाड़े, रवि किशन जी बाड़े, चाहे जे भी प्रोग्राम करते हो कि कोनो आदमी आके खड़ा हो सका था। जैसे लोग कहता कि भाई सुने में आई हमारा ये बात कि हम लोग अश्लीलता के विरुद्ध में अश्लीलता के अश्लील गाना जो ना होता ओकरा विरोध में ये तरह के काम करता नहीं जा, एगो सभ्य समाज के भी शोभा नहीं खे दे जो काल भइल ये तरह के भइल। अगर रउआ सोचता नहीं कि विरोध करे के बाद तो ओकर बहुत तरीका बा, जायज़ तरीका बा, वो जायज तरीका से रउआ विरोध करी और ये को बहुत बड़ा महर्षि के कहल बात है, बहुत बड़ा आदमी के कि पापी के पाप से रउआ दुश्मनी करी, घृणा करी, पापी से घृणा मत करी। जहाँ तक हमरा पता बा कि दिनेश लाल यादव जी होखस, पवन सिंह जी होखस, चाहे जे भी भोजपुरी के कलाकार बा, कोनो ऐसा कलाकार नहीं है जोन दुर्गा जी के दोनों नवरात्रा में गीत न गावे पचरा, कोनो ऐसा कला में भी सुनल जला। एकरा अलावा छठ मैया के गीत गावे ले, एकरा अलावा वो मतलब जितना भी बार बार लोग डिस्टर्ब कर लागल फोन कर करके कि जितना चीज भी हो रहा बा एकरा के सभ्य समाज को भी अलाउ ना करी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज भी गावे ला लोग, मानी रहुआ उनका कोनो गाना से एतराज बा कि गाना पसंद नहीं खे समाज के, तो भाई समाज मत सुनो ना। आज लैकन में होड़ लागल बा कि अश्लील से अश्लील चीज गावो सन और वह हीट होता, हीट ऐसे होता कि रुआ लोग सुनता नहीं हुए। अच्छा चीजवा अगर लोग सुनी या बुरा चीजवा के नकारल चालू करी तो लाठी भाला चला के रुआ थोड़े नकारे, डिजिटल जमाना बा, मानी कोनो आदमी रउआ दुआरी पर आ करके अगर अपन स्टेज शो करत तो रउआ ओकरा की इनकार करें, रउआ ओकर विरोध करें,
पर वह आदमी अगर नेट पर हुआ के डाल दे, वह आदमी यूट्यूब पर डाले, लोग तो करोड़ों करोड़ यूट्यूब पर देखा था। कोनो भी प्रोग्राम अगर स्टेज से होला तो वहाँ जाके आदमी जो नाचता गावता चाहे जो प्रोग्राम करता वहाँ तो मुश्किल से 25-30-40 हज़ार लोग 1 लाख लोग आवता देखे खतरा। आ वह चीजवा के नेट पर लोग 5-5, 10-10 करोड़ लोग देखता। तो ऐसा सब करी कि नेटवा पर वो चीज़ के मत देखी, ओकरा के प्रोत्साहित मत करी कि लड़का वो सब देख करके वही टाइप के चीज़ ना गाव सन। और दिल के सच मुझे सब चीज़ से दुख होता कि सभ्य समाज में ही शोभा नहीं देत कि कोनो कलाकार के ऊपर पथराव कर जाओ। और कलाकार के संगे संगे जो वहाँ आम जनता बा, जौन आदमी वहाँ प्रोग्राम कराल बा, ओकरा भी नुकसान पहुँचल हुई, ओकरा भी चोट लागल हुई, आम जनता के भी तकलीफ हुई। देखिए स्टार तो ऐसा होला कि ओकरा संगे कम से कम 200 लोग और होला, 200 लोग ओकरा संगे और ही खड़ा बा, ओकरा सुरक्षा खतरा, तो वो बेचारा के तो सुरक्षा मिली जाई। पर निर्दोष जनता जो वहाँ प्रोग्राम देखे खतरा आई बा, ओकरा ऊपर का गुजरी रहुआ पत्थर चलवाए मरुआ, अगर कोनो तरह के अगर विरोध रहुआ ऐ तरह का अहिंसक तौर पे करत नहीं तो लोग अपने जनता अपने भाई बंधु सबके माथा फाटी या तकलीफ हुई। दवाई के दुकान में पारासीटामोल भी बिकत है जौन बुखार छोड़ा देला, ओमे रिवाइटल भी बिकत है जौन रहुआ के ताकत देला, अमूस के दवाई भी बिकत है जौना से चूहा मर जाला सो। तो महाराज अब के कहता है कि चूहा मारे वाला दवाइया रुआ घर ले घोर के पी, अश्लील गाना रुआ नहीं क्या पसंद मत सुनी, ओकरा के मत देखी, ओकरा के ओकरा पीछे मत जाई। लेकिन जौन चीज अच्छा बा ओकरा के प्रोत्साहित कर देता। हम तो बहुत ऐसा देखले बानी कि बढ़िया बढ़िया चीज गावल जाला ओकरा क्यों पूछते नहीं खे। कुछ अच्छा सिंगर बड़ा सन जौन बेचारा निर्गुण गाव तारसन, जौन पूर्वी गाव तारसन, जौन बढ़िया बढ़िया गजल गाव तारसन, ओकनी के भोजपुरी में क्यों पूछते नहीं खे। तो ये अश्लील गाने वाला थोड़ा जाके कहत रहसन भैया उनका के मत पूछा जा, लोगवे बाकी जाके खाली वही चीजवा के पसंद करता। जहाँ ऑर्केस्ट्रा में रुआ चल जाई, जहाँ जहाँ चल जाई वहाँ के बाटे महाराज जौन एगो बढ़िया गीत बजा के सुनत होके, बढ़िया बढ़िया ब्यास लोग तो हारमोनिया तबला धो दौलस लोग अपना उठा करके छत पर, अब एकर काम खत्म, बढ़िया ब्यास लोग के दुकान बंद हो गई। तो ऐसा बात नहीं है कि खराब गावेला लोगवा दुकान बंद कैले बा, जनता जनार्दन बंद कैले बा, वो लोग नहीं के सुने के मन, अब वो सब नहीं के सुने के चाहत लोग। ये सब हमार विनती बा कि ये तरह के ना करे के चाहिए। और खेसारी लाल यादव के बारे में चूंकि हमार मित्र हुए, उनका संगे 2-4 गो फिल्म कैले बनी, और एगो ऐसा आदमी जो हमेशा अपना समाज अपना अपन भाई लोग अपन प्रांत अपन बिहार के प्रति अपन उत्तर प्रदेश के प्रति जो आदमी हमेशा अच्छा सोचेला। उनकर एगो बात रुआ के बताया हम कि हमरा कि यहाँ जहाँ मैंने समझी उनकर घर छपरा पड़ी है, हम ही पश्चिम चंपारण के, अब पश्चिम चंपारण के ठोरी इलाका में बाढ़ आई रहे हैं वहाँ सब लोग के घर द्वार घर सब कुछ दह गए, खाए पिए के ना रहे। हमार भाई साहब ओकर व्यवस्था कैले, व्यवस्था कैले तो हम खेसारी लाल यादव जी हमारा पास में रहले, हम कहनी भाई हमार तो उतना सामर्थ्य नहीं है लेकिन चाहें कि तू थोड़ा मदद के हाथ बढ़ावा कि वहाँ पर थोड़ा हमनी के मदद पहुँचा दहल जा। और खेसारी लाल यादव बिना पलक झपकाए तुरंत कहलस कि भैया कितना पैसा लागी, कहाँ वो छपरा के आदमी कहाँ पश्चिम चंपारण के लोग के मदद करे खतरा पैसा भेजल कि भैया हम पैसा भेज तनी लोग के भोजन करवाई, और जितना पैसा लगी भोजन करवा में के उपास ना सुते के चाहिए। ओकरा बाद चिवरा मीठा तो कथी कथी सब अपने बटवौले हु हमेशा रउआ लोग फेसबुक आ यूट्यूब के माध्यम से जानते हो कि हम जौन भी उनका सामर्थ्य बा जौन उनकर सोच बा जौन बुद्धि बा विवेक बा ओकरा हिसाब से जौन भला कर सकत रहे समाज के तौन कर रहल बड़े। केहू के ना कोनो चोरी करत रहे ना केहू के कुछ छीनत रहे, मनोरंजन एगो माध्यम बा, गीत गावल एगो कलाकार के जौन गीत गावता नाचता कूदता एक्टिंग करता ओसे जौन पैसा कमाता वो पैसा से अपन घर द्वार के साथे साथे समाज के भी कुछ दे रहल बा। तो ऐसा आदमी के हमने के अप्रिशिएट करे के चाहिए। और देखी बने के तो सब केहू चाहेला कि हमू बन जाए स्टार, पर भगवान केहू केहू के नसीब में लिखे ले। आज वो इस साधारण परिवार के लोग हैं जैसे खेसारी लाल यादव उनकर बाबूजी है, वो सच्चो कहले जो कहले कि झूठ बात ना है कि उनकर बाबूजी चना बेचत रहले,
ये खुदे लिट्टी बनावेला फर्स्ट क्लास के खेसारी जी बाबू लिट्टी बेचत रहे पहले, भैंस चरौले साँचो भैंस चरौले बाबू। कि दिनेश लाल यादव जी बहुत छोट परिवार, हमनी के चूँकि जान तनी जब वो परिवार के ओलो के कि बहुत छोट परिवार से आई लोग, अपना संघर्ष भरपूर संघर्ष कैला के बाद ये मुकाम पर पहुँचल बलो। खेसारी एक दिन हमरा कैसे बतावत रहे कि भैया जब पहलका कैसेट गौले रहनी आ कैसेट लेके हम जात रहनी लोग लोग के दुआरी दुआरी पर दुकान दुकान पर जा करके, तो एगो भैया रहले शायद मोतिहारी के कहाँ के नाम बतौल रहे कि उनका दुकान पर कैसेट ले जाके कहनी भैया कही दो चार गो कैसेटवा रख लो बेच दी तो हमरा के भगा दहले। बाद में रात भर हमारे उनका कहला के पैसा ना रहे अपना घरे लौटे के, तब पानी पी के हुआ सूत के रात भर उनका दुकानवा के बहरा सुतल रहे। तो ए बरा के दिन तो लोग कहता कि फॉर्चुनर में चढ़ाता खाली घर में 1 किलो सोना पहनाता, लेकिन वो दिन वाला लोग के नहीं खाई याद कि ऐसा दिन भी गुजरले बहू। तो अब भाई लोग बहुत देर से कर रहल बालो बातचीत, और हम चूंकि देखी जात पात के ना मानी ने। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, रजनीश मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टोटली खेसारी लाल यादव के जीवन के बारे में परिचय दिया है उन्होंने, और किस लिए वो खेसारी लाल यादव के पक्ष में खड़े हुए हैं ये भी उन्होंने साफ बता दिया है। देखते हैं इंडस्ट्री में और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें खेसारी लाल यादव का साथ, खेसारी लाल यादव को का वो साथ देते हैं, और इंडस्ट्री में ये विवाद कब तक थमता है। फिलहाल अगर जो आप खेसारी के साथ जुड़े रहे, खेसारी लाल यादव के इस विवाद के साथ जुड़ी या इस घटना के साथ जुड़ी आप जानकारी लेना चाहते हैं, ताज़ा अपडेट लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।